तो गाइज हाजिर हूं मैं लेकर एक और बहुत ही कमाल की वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme 7 Pro और Oppo F17 Pro के बारे में। एक्चुअली में दोस्तों ये जो दोनों स्मार्टफोन हैं ये एक दिन दो दिन पीछे ही लॉन्च हुए हैं, यानी कि 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है Oppo F17 Pro और 3 सितंबर को लॉन्च हुआ है Realme 7 Pro। दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी मिलती जुलती है, तो इसलिए मैंने इन दोनों का कंपेरिजन करने का यहाँ पर सोचा। मैंने एक बार ये सोचा कि Realme 6 Pro से क्यों ना 7 Pro को कंपेरिजन कर दिया जाए, बट यहाँ पर ये जो कंपैरिजन था वो फेयर नहीं बनता था, क्योंकि Realme 6 Pro 3-4 महीने पहले लॉन्च हुआ और यहाँ पर अब लॉन्च हुआ है Realme 7 Pro। तो मैंने सोचा कि Oppo से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये फेयर कंपैरिजन बन के आता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं Realme 7 Pro और Realme 6 Pro का भी कंपैरिजन ला सकता हूँ, उसके लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Oppo F17 Pro और Realme 7 Pro के स्पेसिफिकेशन, प्राइस, अवेलेबिलिटी, उनके जो भी स्पेक्स डिटेल्स हैं मैं उनके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो हेलो, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहां पर कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से। तो यहां पर मैं Realme 7 Pro में आपको बताऊं तो यहां पर प्लास्टिक का आपको फ्रेम देखने को मिलता है और जो पीछे का आपको देखने को मिलती है बॉडी वो भी आपको प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है, यानी कि आपको पीछे कोई भी ग्लास वगैरह देखने को नहीं मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में। ये जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोनों स्मार्टफोन के लिए लागू होती है, लेकिन यहाँ पर ओप्पो ने बताया है कि जो हमारा स्मार्टफोन है वो बहुत ही स्लीक है, यानी कि आपको 7.5 mm की थिकनेस देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कम निकल कर आती है। और वहीं बात करें Realme 7 Pro में तो आपको वहाँ पर 8.7 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, हालांकि आपको दोनों में ही P2i कोटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि छोटे मोटे पानी के जो छींटे हैं वो दोनों ही स्मार्टफोन सह जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्ले से, जो यहाँ पर इसका सबसे मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको Realme 7 Pro में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है, 6.4 इंच की यहाँ पर आपको डिस्प्ले दी जा रही है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस का आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, 82.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और साथ ही साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी जा रही है, और साथ ही साथ आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी दिया जा रहा है। वहीं बात करें Oppo F17 Pro में तो आपको वहाँ पर 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले वहाँ पर भी दी जा रही है, साथ ही साथ आपको वहाँ 84.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल रहा है। जो एक चीज़ दोनों में कॉमन है वो है यहाँ पर रिफ्रेश रेट, यानी कि आपको कोई भी मॉडर्न रिफ्रेश रेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपल सा वही 60Hz वाला रिफ्रेश रेट दोनों में ही आपको देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस को देखते हुए डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके मेन पावर की, यानी कि प्रोसेसर की। तो आपको Realme 7 Pro में स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर दिया जा रहा है जो कि 8nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और ये एक कैपेबल स्मार्टफोन है गेमिंग वगैरह के लिए, यानी कि इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड Realme UI देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें Oppo F17 Pro में तो आपको उसमें MediaTek का Helio P95 प्रोसेसर दिया जा रहा है जो कि 12nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों उसमें भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक्सटेंसिव गेमिंग आप बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पबजी बैन हो गया, अब क्या कर सकते हैं, तो पबजी बैन हो गया तो कोई और गेम आप ट्राई कर सकते हैं, और इसमें भी आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड ColorOS 7.2 देखने को मिल जाता है। अब वहीं बात करते हैं कैमरे की, तो Realme 7 Pro में आपको 64MP का सोनी का IMX682 सेंसर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और 2MP का आपको डेप्थ सेंसर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ वहीं बात करें Oppo F17 Pro में तो आपको 48MP का कैमरा दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो तीनों कैमरे हैं दोस्तों वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ कैमरा यहाँ पर दिया जा रहा है। सेल्फी की बात करें तो 32MP का आपको Realme 7 Pro में और 16+2MP का आपको सेल्फी दी जा रही है Oppo F17 Pro में। अब वही बात करें बैटरी की, तो आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 65W का सुपर डार्ट चार्जर मिल रहा है। 65W वाकई में काफ़ी इंसेन स्पीड आपको देगा। और वहीं बात करें Oppo F17 Pro में तो आपको वहां पर वही घिसा पिटा 30W का चार्जर दिया जा रहा है। 30W की चार्जर की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ख़राब नहीं होती है, लेकिन वहां पर आपको 4015mAh की बैटरी दी जा रही है। अब यही बात करते हैं कुछ मिसलेनियस फीचर्स के बारे में जो आपको यहां पर Realme 7 Pro में देखने को मिल रहा है, वो है यहां पर कि आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जा रहे हैं, और बाकी कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिल रहा है। 3.5mm जैक दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब वही बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो अब यहां पर बात करूं मैं Realme 7 Pro में,
तो इसकी तो कहानी आप जानते हैं कि ये फ्लैश सेल में मिलेगा। अभी इसके जो ब्लाइंड ऑर्डर्स थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था वो इसको प्री ऑर्डर कर पाएंगे, लेकिन जो अभी परचेज इसको करना चाहते हैं उनको फ्लैश सेल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसकी जो फ्लैश सेल है वो बताई जा रही है कि 10 सितंबर से स्टार्ट होगी और 20,000 रुपये इसका बेस वेरियंट है, यानी कि 6128 के लिए आपको 20,000 रुपये और 8128 के लिए आपको 22,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। realme.com और flipkart.com से आप इसे परचेस कर सकते हैं फ्लैश सेल में। वहीं बात करें अब ओप्पो F17 Pro में तो उसको आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं अभी से और इसकी जो डिलीवरी होगी वो 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो इसकी जो प्राइस है सिर्फ एक वेरिएंट के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है इंडिया में, जो है 8128 का, और उसकी जो प्राइस है वो 23,000 है। अब 23,000 में मुझे नहीं पता कि कौन लेगा। और अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा स्मार्टफोन आपको देखना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप Realme 7 Pro की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको Oppo F17 Pro से कहीं ज़्यादा फीचर्स आपको Realme में देखने को मिल रहे हैं।